आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। देवभूमि में आई दैवीय आपदा का आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हवाई संरक्षण किया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है और साथ ही हर संभव मदद देने का राज्य सरकार को भरोसा भी दिलाया। गृह मंत्री के अनुसार अब तक 64 लोगों की मौत इस आपदा में हो चुकी है, तो वहीं 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि जल्द ही इस संकट की घड़ी से सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, ये ऑलरेडी कंसीडरेशन में है, विचाराधीन है और अंत तक आया है, बहुत जल्दी ही इस पर हम निर्णय करेंगे। परंतु एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूँ कि लगभग 26 घंटे पहले हम चेतावनी देने में सफल रहे हैं और चेतावनी को हर मोबाइल यूजर तक, हर जगह पे और यात्रियों के जहाँ कैंप थे वहां पर हमने समय पर पहुंचा। भारत सरकार के पास उत्तराखंड सरकार की पेंडिंग है, इस प्रकार के डिजास्टर के लिए यहाँ रिसर्च और इसके बाद में व्यवस्थाओं के अपग्रेडेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो न केवल हिमालयन क्षेत्र, पूरे देश के लिए काम करेगा। वो दरखास्त हमारे यहाँ पेंडिंग है, थोड़े समय में ही इस पर निर्णय होगा। 4 मीटिंग इसके लिए हो रही है। पुष्कर सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे मिलने आए तब भी वो मुझे उसका कड़ा रिमाइंडर दे गए हैं। घर का व्यक्ति लापता भी है वो तुरंत रिपोर्ट करा था, मगर पशुओं की जानहानि और कृषि का जो नुकसान है और जो जमीन बह गई वो एक्चुअल सर्वे के बाद ही बता सकते, मगर ज्यादातर रोड यहाँ पर नेशनल हाईवे के है, एक महीना होगा या 20 दिन होगा। इसके बाद में सर्वे होता है, आज भी प्राथमिक आकलन देकर ही हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे, सर्वे की टीम तुरंत ही भेज देंगे और उसके बाद भी हम भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित रूप से मदद। अब नुकसान ज्यादा नहीं करेगा, मगर जो नुकसान कर दिया है इसको रिपेयर करने का हमें यत्न भी करना पड़ेगा और वो रिपेयरिंग कुछ जगह पे ऐसा जरूर हवाई सर्वेक्षण में दिखता है जो एकदम जल्दी से नहीं होगा। मानो पूरा रोड जा रहा है, 25 मीटर का रोड ही भूस्खलन में बहकर निकल गया तो पहाड़ को थोड़ा काट कर बना। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, आप मुख्यमंत्री जी के काम को किस तरह देख रहे हैं? हालांकि 3 महीने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करी है धामी सरकार और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि फिर से हमें एक बार आशीर्वाद दिया। पूरे देश में वैक्सीनेशन राज्य सरकार निकालेगी, केंद्र सरकार निकालेगी, वो सटीक नहीं उत्तराखंड में, क्योंकि पशुओं की जानहानि का संख्या जब तक गांव का सर्वे नहीं होता, पटवारी का सर्वे नहीं होता, तब तक काल्पनिक चीजें। और अब तक बिजली, पानी व दूरसंचार व्यवस्थाओं को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं अमित शाह ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए सीएम धामी की प्रशंसा भी की है और कहा कि सही समय पर सही निर्णय लेकर लोगों की जान बचाई गई है। जोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट।